मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम फ्रॉम गिर नेशनल पार्क। यहाँ पे ओपन सफारी में बुकिंग किया है। बेसिकली ये बुकिंग वगैरह सब ऑनलाइन होता है एंड इट इज़ अ 3 आवर्स ओपन सफारी। तो टाइमिंग सर इन 3 शेड्यूल्स, 6:30 to 9:30, देन 9:30 to 12:30 और शाम को मेरे ख्याल से 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, 3 घंटे के जर्नी। तो ये ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स है, गवर्नमेंट वेबसाइट भी है और प्राइवेट भी है। गवर्नमेंट पे आई थिंक द रेट इज़ समथिंग अराउंड 4,500 फॉर 4 पीपल एंड 1 किड, और प्राइवेट के लिए 1,000 रुपया ज़्यादा लेते हैं। चलो अभी अपना और गाड़ी के साथ आपको ड्राइवर और क्या बोलता है गाइड साथ में आता है विद द बुकिंग। तो अभी हम लोगों को अपना ड्राइवर और गाइड को ढूंढना पड़ेगा, लेट्स गो। तो अपने साथ ये भाई साहब है, अपना गाइड। क्या नाम है भाई आपका? मिलेगा। चलो जाते जाते करेंगे, अभी गाड़ी आ रहा है। गाड़ी भी आ रहा है, आप सब मेंबर आ गए? हाँ, हम लोग सब मेंबर आ गए हैं, तो गाड़ी भी आ गया। तो बेसिकली जैसे मैंने बोला था 3 स्लॉट में गाड़ी निकलता है। हाँ मिला ना, किधर मिला? यही तो अपना भाई है, देखिए देखिए। तो ये अपना भाई साहब है जो हम लोग को सोमनाथ से यहाँ पे लेके आए थे, इनके साथ ही वापस जाएंगे। YouTube भी चल रहा है, YouTube भी चल रहा है। प्लास्टिक का बॉटल अलाउड नहीं है, तो यहाँ से मिल्टन का बॉटल में पानी देता है 1 लीटर 10 रुपया में, एक बॉटल के लिए बोले हैं। ये पानी का बॉटल, क्योंकि ये जरूरी है भाई, प्यास लगेगा, 3 घंटा गाड़ी में रहना है। ये अपना 69 वाला सामने का आप बोर्ड पर दे। चलो गाड़ी में बैठ गए हैं, रेडी हो गया सफारी के लिए, लेट्स गो। ठीक है, ये बेसिकली सासनगीर गांव यही है, और गिर नेशनल पार्क का एंट्री जो है इसके आगे 2 किलोमीटर आगे है। कितने दिन के बाद आते हैं? ये आ जाता है भाई, अपलोड करने के बाद ही आता है। तो बेसिकली ये जो है नेचुरल जंगल सफारी है, और यहाँ पे मेनली लायन, लेपर्ड, इसके बाद डियर, सांबर, नील गाय, एनिमल्स, क्रोकोडाइल, ये सब एनिमल्स दिखते हैं, लेकिन कुछ फिक्स नहीं है। इट्स नॉट कन्फर्म कि एवरी टाइम यू गोना सी ऑल द एनिमल्स। तो हमारे साथ है भाई, ड्राइवर भाई इंतियाज बलोच, और गाइड। गाइड भाई आपका नाम क्या बोले थे? नीलेश बमनी। तो ये रूट से 6 एंट्रीज है, 2, 4, 6, 9, 11 एंड 12 रूट नंबर्स विल पास फ्रॉम दिस रूट। फुटप्रिंट्स ऑफ लाइन उधर है। हाँ, अभी हमारा एंट्री हुआ है और 50 मीटर हमारे मतलब आसपास तक, यस मूवमेंट लाइन यहाँ तक हो रहा है। ओके, और ये फॉरेस्ट है पूरा ओपन है। हाँ, हाँ, फॉरेस्ट को कोई बाउंड्री नहीं, लेकिन वो एकदम रिसेंट है, मतलब आसपास ही होना चाहिए। मॉर्निंग टाइम का ही है। अच्छा, क्योंकि लाइन मोस्टली क्या है कि फॉरेस्ट का टाइप आप देखोगे ना, ड्राई डेसिडियस टाइप का फॉरेस्ट। हाँ हाँ हाँ, पता नहीं अभी तक तो स्पॉटेड डियर दिखा है और पीकॉक दिखा है। देख जाएगा कि कोई लायन है, लेपर्ड है, मंकीज है, स्पॉटेड डियर है, तो वो क्या है कि अलार्म कॉल करते हैं। ओके, अलार्म कॉल से सभी डियर है वो अलर्ट होके वहां से चले जाते हैं। आई डोंट नो वेदर यू कैन सी इट और नॉट, वी हैव स्पॉटेड द लेपर्ड इन पिग वन सिटिंग देयर। देखो जो, हां तुम देख के पेशले, हां वही तो बोल रहा है, अ लार्ज मेल लेपर्ड सिटिंग देयर। भाई बोल रहे हैं कि लेपर्ड देखना बहुत ही लकी होता है जंगल में, यूजुअली देखने के लिए नहीं बोलता, बिकॉज इट इज़ अ वेरी शाई एनिमल, लेकिन वी हैव स्पॉटेड इट। फेस आप देखो। हाँ हाँ, फेस उसका। इसके ऊपर चढ़ सकता हूँ क्या? हाँ, वो दे। वाओ,
हाँ आई कैन सी इट। तो ये तालाब एरिया है, यहाँ पे लायन स्पॉट करने का चांसेस ज़्यादा रहता है समर टाइम में क्योंकि पानी बहुत कम हो जाता है। तो स्केयर सिटी में दे ऑलवेज फाइंड दिस स्पॉट फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड रिलैक्सिंग, कीपिंग देयर बॉडी काम एंड कूल। लेकिन अभी तो विंटर सीजन है तो ऐसे भी वाटर का कमी नहीं है, तो देयर वी कैन नॉट फाइंड एनी लायन और बिग एनिमल हियर नाउ। I can spot three there, 1, 2, 3 and one behind the bush. रेनी सीजन में इन लोगों का उड़ नहीं पाएगा, इसलिए पीछे का फेदर सब ड्रॉप हो जाता है, बाद में फिर से देखे इन इट। चलो लेट्स मूव अहेड। मालदारी ओके। कैसे लोग हैं सभी? ओके कितना फैमिली है यहाँ पे? फोर फैमिली है। ओनली फोर? 1, 2, 4, 2 इसके पीछे। ओह सिर्फ चार ही फैमिली है। ये लोग एकदम जंगल के कोर जंगल में रहते हैं सामने। ओह हाँ, तो इन लोग का बेसिकली क्या करते हैं इन लोग? ये जो लोग है ना सर, ये सभी मवेशी अपने पास रखते हैं, काउ बफेलो जो। अच्छा, उनको चरवाने के लिए लोग जंगल में जाएंगे और उसका मिल्क निकल के बाहर सेल कर देते हैं। ओके, इनकम का एक ही वो। अच्छा अच्छा, ये बफेलो का मिल्क। ओके ओके, ये भी फिर याद रखो। सो दे बेसिकली सर्वाइव ऑन बफेलो मिल्क। ये सभी अभी देखो, ये जो सभी गोबर बफेलो का सभी इकट्ठा करके इसको भी बाहर सेल कर देते हैं। ओके ओके ओके, ये जो ना खाद की तरह यूज होता है बाहर फार्म में। टोटल 45 विलेजेस है और सब जगह पे दो चार करके फैमिली रहते हैं। चलो आगे चलो। सी वन क्रोकोडाइल वन टर्टल। अब देखने लायक। एक मिनट ना सर, किसने मत कर दिया? पुलिस गाड़ी ने जिसको बोला नहीं है। आ गया। It's going away now into the jungle. और शिकार यूजुअली जो है रात में करते हैं। रात में, क्योंकि दिन के टाइम में तो उसको दिख जाएगा तो प्रेज विल नॉट कम वेरी क्लोज टू देम। ये एनिमल लायन भी नॉक्टर्नल है, क्योंकि ये सभी जो है ना वार्म ब्लडेड है। तो भाई साहब अभी मिड पॉइंट में आ गए हैं। टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 11, 9:30 बजे से चालू किए थे, इट्स नाउ 11 o'clock। आधा हो गया हम लोगों को, यहाँ से रूट्स वगैरह फिर से अलग हो जाएगा। तो मिड पॉइंट में एक बेसिकली इन लोगों ने बनाया हुआ है टॉयलेट पॉइंट, तो यहाँ पे 5-10 मिनट का टाइम करते हैं
यहाँ पे आपका जो भी फ्रेशन अप होना है जो भी है करके अगेन यू विल गो इनटू डीप जंगल। ये मेल है ना? यस, फीमेल होती है ना इसमें, तो ब्राउन कलर टाइप में होती है ये जो है ना। अच्छा, इसको एंटीलो ब्लू बूट बोलते हैं, यानी इसका डार्क ब्लू कलर टाइप का कलर रहता है। ओके, इसको हॉर्न्स भी है। इगुआना बहुत बड़ा है, वो दो है, वो देखो दे आर क्रॉसिंग द रोड नाउ। और एक है देखो क्रॉस कर रहा है, ये थोड़ा व्हाइट कलर का है ना पीछे वाला, वो फीमेल है ना? नहीं नहीं वो भी मेल है, दोनों मेल है। वो क्या ये अपना गाइड बोल रहे हैं कि 1947 से पहले यहाँ पे मालदारी लोग जो है ऑलमोस्ट 300 गांव थे, तो वो अभी कम होते होते नाउ ओनली 45 विलेजेस आर देयर, और एक एक विलेज में तीन चार करके ही गांव मतलब घर है, तीन चार फैमिली रहते हैं एक एक विलेज में। तो दे आर बेसिकली द ट्राइबल पीपल लिविंग इन गिर नेशनल पार्क। प्योर व्हाइट, इसको ओस्ट्री बोलते हैं। हाँ हाँ, जब फुल मून नाइट होता है ना, हाँ हाँ, तो मून लाइट इस पर पड़ता है तो रात को पूरा शाइन करता है। अच्छा, ये कौन सा ट्री है? ये इसका साइंटिफिक नेम है स्टर्किला यूरेनस। हाँ, और बाकी होस्ट ट्री भी सेकंड नाम है इसका। अच्छा, जब रात को पूरा शाइन करेगा जंगल में भूत की तरह दिखेगा, बट वो फुल मून नाइट होगा तब। ओके ओके ओके, यहाँ पर भी बर्ड्स है, ये आउल का नेस्ट है। So we have exited out of the safari jungle area. It was altogether a immensely beautiful experience. We have spotted many animals, birds and even reptiles. Usually ye guide log bhi bol rahe the, like if you select the morning session from 6 to 9, usme aur bhi dekhne ka zyada scopes hote hain. अभी जो है ना ये जंगल, हाँ, जो रिवर है ना जंगल के बीच में से आता है। अच्छा, सफारी जैसे हमारा 13 रूट है ना, हाँ हाँ, डिफरेंट रूट में इसके ऊपर बहुत बड़ा डैम है। ओके, तो हम लोगों का गिर का सफारी कंप्लीट हो गया है 3 घंटे बाद, टाइम हो रहा है 12:30, तो भाई को यहाँ पे अलविदा करने का टाइम आ गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। ओके, ठीक है, वेलकम, चलो टेक केयर। तो हम लोग वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कोई दूसरा अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ओके, चलो बाय।